हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर 1। चैप्टर 1 की है प्रैक्टिस शीट 3, मूल कंसेप्ट पे बेस्ड। इसका सेकंड क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन आयोडीन इन ए सैंपल कंटेनिंग 10^22 मॉलिक्यूल्स। देखो, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं और हमें यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में गिवन है, मतलब यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन अप्लाई होगी। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है आयोडीन के मॉलिक्यूल्स मोल्स निकालने के लिए, तो आपको सेकंड डेफिनेशन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब देखो, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना हो हमेशा पहले 1 मोल को डिफाइन करो। आपसे जो भी पूछा गया है वो एक बार मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। कुछ भी आपसे पूछा गया हो, आपने सबसे पहले 1 मोल की डेफिनेशन लिखनी है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो, 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। अब 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं? 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स आते हैं। हम इस रिलेशन को उल्टा पढ़ेंगे, मतलब अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं आयोडीन के, इसका मतलब वो 1 मोल के इक्वल है। तो अगर मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल होगा तो कितने मोल्स बनेंगे? ये वाली टर्म लेफ्ट में जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 1/6.022 × 10^23 मोल्स आएंगे। अब मुझे 1 मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट नहीं करना, मुझे इतने मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो अगर मेरे पास 10^22 मॉलिक्यूल होंगे आयोडीन के, तो उसके कितने मोल्स आएंगे? 1.1/6.022 × 10^23 × 10^22। तो ये हमारे पास हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -1 बचेगा। 1/6.022 × 10^-1, इसे आप अप्रोक्सीमेट 6 मान के सॉल्व कर सकते हो। 6 मान के सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.016 मोल्स। तो ये हमारे पास हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।